हेलो व्हाट इज अप जीज़, तो कैसे हो सारे के सारे। आई होप तुम सारे ठीक होंगे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले भाई अपनी एक झक्कास सी करते हैं यहाँ से एंट्री, और भाई ये देखो दोनों के दोनों मेरे पीछे पीछे ही कूद गए। तो गाइस हम काफ़ी टाइम से यार सोच रहे थे कि भाई इस घर में अब हमारी बस हो चुकी है, और मुझे शिनचैन ने आइडिया दिया कि फ्रैंकलिन भैया हमारे पास एक ऐसा घर होना चाहिए जो हम पुलिस से बच के जहाँ पर छुप सकें। मैंने कहा यार बात तो तूने बिल्कुल सही बोली शिनचैन। अरे फ्रैंकलिन भैया बात तो मैं बिल्कुल सही बोलता हूँ, पर लेकिन एक बार आप खुद ही सोच लो यार, इस घर का तो सबको पता है और माइकल ट्रेवर दोनों को पता है। अगर वो दोनों भी गलती से पुलिस से पकड़ोगे ना तो भाई हमारा पता बता देंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम तीनों की सेफ्टी के लिए हमारे पास कोई ऐसा घर होना चाहिए जो बिल्कुल ही जंगल वाले एरिया में हो। अबे यार पर लेकिन जंगल वाले एरिया में घर ढूंढेंगे कैसे? अबे यार आप चिंता क्यों करते हो, हम लोग इतनी ज़्यादा गेड़ियाँ मारते रहते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, तो इससे अच्छा एक घर भी देख लेंगे। अबे यार पर तुझे तो पता ही है ना अभी मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं फ्रैंकलिन भैया, एक काम करते ना कुछ सस्ता सस्ता देख लेंगे, हम लोग तो जरूर छुपने के लिए ही लेना है। यार वैसे बात तो तेरी सही है यार शिनचैन, क्योंकि यार पुलिस के यार केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं मेरे पे, तो पुलिस कभी भी मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पे आ सकती है। अरे वही तो कह रहा हूँ फ्रैंकलिन भैया, एक काम करते हैं हम तीनों चलते हैं बाहर और चांगले ढूंढते हैं। अबे यार पर लेकिन तेरे पास भी तो एक घर है, वहाँ पे भी तो छुप सकते हैं ना। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया वो घर भी सबको पता चल गया यार, आप इतनी बारी उनको वहाँ पे दिखे हो तो उन सबको पता चल गया कि शिनचैन का घर है और फ्रैंकलिन यहाँ पे आता जाता रहता है। चल ठीक है भाई अगर तू बोल रहा तो फिर फटाफट से निकलते हैं और ढूंढते हैं कोई घर। पर लेकिन भाई हमें किसी जंगल वाले एरिया में जाना भी तो पड़ेगा, और कौन से वाले में जाएं? तुझे पता ना कि वहाँ पे कितने ज्यादा खतरनाक जंगली जानवर घूमते हैं। फ्रैंकलिन शिनचैन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दोस्त हैं, मैं हमेशा वेब स्पाइडर्स यूज़ करते करते वहाँ पे घूमता रहता था, इसलिए मुझे एक ऐसा जंगल पता है जहाँ पे ज़्यादा कोई जानवर नहीं है और बिल्कुल ही सुनसान एरिया में है। अरे हाँ हाँ भाई बिल्कुल सुनसान एरिया जैसा चाहिए। अरे वहाँ स्पाइडी यार तुझे कैसे पता लगता, तू भी किसी काम का है आज के बाद? शुक्र है तू पहली बार हमारे काम आया। अभी तो छुप कर जा, तुझे नहीं पता मैं बहुत ही ज़्यादा काम आता हूँ। पर लेकिन भाई तुम दोनों मेरी एक बात सुन लो, वहाँ पे हम तीनों ने छुप रहा, तुमने तो इनका पता नहीं है ना कि अगर हम तीनों में से कोई भी बंदा कोई भी कांड करके भागेगा तो हम तीनों कोई भागना पड़ेगा। अरे हाँ फ्रैंकलिन मुझे पता है। हाँ फ्रैंकलिन वो मुझे पता है, तुम चिंता मत करो। अबे भाई एक मिनट रुको, पहले भाई मैं सोच रहा हूँ कुछ सब्जी वगैरह ले लेता हूँ। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मेरे लिए भी लेना है एक दो सब्जी। अबे भाई सबके ले लूंगा क्या, पागल तो नहीं हो गया तू? अब भैया जी एक सब्जी देना। अरे तू अंधा है क्या, तुझे दिख नहीं रहा है फ्रूट की दुकान है? तो भाई धक्का क्या देने वाली बात होगी, पागल वागल तो नहीं है क्या? अबे इसकी बहन की, इसको तो नहीं छोड़ूंगा, इतनी सी बात पे धक्का कौन देता है। अच्छा तो ये चिरकुट भी खड़ा है पीछे, हट जा पीछे भाई, देख ले मेरे हाथ में इस टाइम ये क्या है, ठीक है ना? सब्जी फ्रूट्स क्या भाई, सबके सब तेरा सिर भी खोल दूंगा तरबूज की तरह, अब निकल जाए यहाँ से। लेकिन एक सेकंड भाई शिनचैन और स्पाइडी तुम्हें एक चीज़ दिखा दूँ, तुम देख के हैरान हो जाओगे। अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन भैया? अबे तू देख तो सही बस, ये देख भाई ये क्या घर है। अरे वाह यार ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर घर है भाई। अरे भाई साहब क्या घर मिल गया यार, और बिल्कुल परफेक्ट भाई, बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन है। चलो अंदर चल के इनसे बात करते हैं। अरे हाँ फ्रैंक भैया चलो इस ओनर से बात करते हैं, और ये देखो गार्डनर भी बैठा हुआ है यहाँ पे, लगता है किसी बहुत अमीर बंदे का घर है। अभी ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, मेरे घर से निकलो फटाफट वरना अभी आ रहा हूँ मैं नीचे। मुझे लगता है अंकल गुस्सा हो गए कहीं पे। कोई बात नहीं अंकल जी, आप भी नीचे आ जाओ, आप इसे तो बात करने के लिए आए हैं। अब इन बच्चों को बताता हूँ इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, ये मेरे घर में ऐसे घुस गए अभी, और मेरा गार्डनर क्या कर रहा है, उसको क्या होश नहीं है, उसको बिल्कुल भी किसी चीज़ का पता नहीं चलता। अबे तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरे घर में आ गया? अरे अंकल जी हम तो सिर्फ बात ही करने के लिए आए हैं, अभी तेरी बात करवाता हूँ। देख नहीं रहा मेरा गार्डनर वो भी आम गार्डनर नहीं है, वो यहीं का सिक्योरिटी गार्ड है। तो भाई कैसा सिक्योरिटी गार्ड है, उसको तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। अबे ओ राजू जल्दी यहाँ पे आओ, क्या हो गया साहब क्या हो गया, जल्दी मुझे बताइए, इनको उठा के यहाँ से बाहर निकाला भाई। चलो चलो बच्चा लोग चलो यहाँ से निकलो। अरे अरे भाई धक्का क्यों दे रहा है, जा रहे हैं जा रहे नहीं, निकलो निकलो यहाँ से छोटे बच्चे चलो निकलो। अबे वो अंकल ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अबे चल बे तू क्या बताएगा मैंने गलती करी है, सही करा। अरे अंकल हम तो सिर्फ यहाँ पे तेरे घर का रेट पूछने के लिए आए थे, क्योंकि भाई हम घर ढूंढ रहे थे। अबे तुम चाह के भी इस घर को नहीं खरीद सकते, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। अच्छा तो भाई कितने का है घर, तू जल्दी से बता मुझे पहले ये बात, अभी तेरे मुँह पे पैसे मारता हूँ। अच्छा तो फिर ये 2 करोड़ का घर है, तो जल्दी से दो मुझे पैसे। अच्छा 2 करोड़, चल ठीक है अंकल कोई बात नहीं, अभी मैं तुझे बताता हूँ, अभी मेरा पैसा नहीं है पर जब पैसे होंगे ना जरूर आऊँगा। हाँ तो गरीब हो चलो भागो यहाँ से। अबे यार इस अंकल ने तो बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट कर दी भाई ऊपर, लेकिन इतनी इंसल्ट में से सह ही नहीं जा रही, मन तो कर रहा है इस अंकल को यहीं बिठा दूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया अबे हम 2 करोड़ कहाँ से लाएंगे यार, मुझे तो ये घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। अबे यार शिनचैन घर तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर लेकिन इस अंकल की ईगो तो मैं तोड़ के रहूँगा, तो उस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कर। अरे यार फ्रैंकलिन भैया पर लेकिन 2000 करोड़ तो बहुत ही ज़्यादा। अबे पागल 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 हो गया क्या, 2000 करोड़ नहीं भाई 2 करोड़ बोला उसने। अच्छा अच्छा मुझे लगा भाई 2000 करोड़ बोल दिया, तू पागल तो नहीं हो गया भाई, इतना महंगा घर तोड़िए ये। और तू चिंता मत कर शिनचैन में अभी
भी कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढता हूँ पैसे इकट्ठे करने का। अरे हाँ फ्रैंक भी आप भी देखो और मैं भी देखता हूँ। अरे ये क्या यार बीच में इतना बड़ा ये झूला किस चीज़ का लगा हुआ है? अरे हाँ ना भाई ये पहली बार लगा मेरे ख्याल से, चल फटाफट से चल के देखते हैं। अबे भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई मेला वगैरह लगा हुआ है जिस वजह से इन्होंने इतने बड़े बड़े झूले लगा दिए हैं। तो चलो ना फ्रैंक भी एक बार चल के देख लेते हैं। अबे भाई पहुँच गया क्या? तुझे दिखता नहीं है शिंचन, तू इतने ज़्यादा एक्साइटेड मत हुआ अगर चीज़ों को लेकर, तू चिंता मत कर, तेरा बड़ा भी बैठा ना। अरे भाई पर लेकिन यहाँ पे तो भीड़ ही बहुत ज़्यादा है। अबे यार ये तो मुझे लग रहा है मेरा नंबर पता नहीं कल तक आएगा, तो इस अंकल से बात करता हूँ। तो अंकल जी मुझे जल्दी से बताओ ये मैंने चैलेंज करना है कैसे करेंगे? अच्छा बच्चे तुमने अगर ये चैलेंज करना है इसके लिए तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। क्या अंकल इसके लिए भी पैसे है? भाई कितने पैसे चाहिए? इसमें सिर्फ तुम्हारे 100 रुपया ही लगेगा। अगर तुमने इस चैलेंज को 3 मिनट में कंप्लीट कर दिया तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। वाह भाई 1 करोड़! तो अंकल जल्दी से फिर यहाँ पे मेरा वेट क्यों कर रहे हो, मुझे जल्दी से ऊपर चैलेंज की पहुँचा दो। तो ठीक है गाइस अब हम आ गए यहाँ चैलेंज पे, और भाई बाइक पे बैठते ही मेरा चैलेंज हो जाएगा स्टार्ट। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से पहले बाइक चूज कर लेता हूँ। भाई ये रेड कलर की बाइक तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, तो एक काम कर दो रेड वाली बाइक को ले लो। ठीक है गाइस चैलेंज हो गया भाई हमारा स्टार्ट, बस 3 मिनट से पहले इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अपनी पूरी फुल स्पीड लगा दूंगा भाई पर, लेकिन 1 करोड़ यहां से जीत के जाऊंगा, फिर उसके बाद 1 करोड़ का मैं और कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लूंगा। पर लेकिन वो घर तो भाई आज खरीद नहीं है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं वो घर आज ही खरीद लूं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं गिरने लगा हूं मुझे जल्दी से बचा लो भाई। अबे बच गया भाई, बहुत मुश्किल से बचा यार, नहीं तो यही पे भाई स्टार्टिंग में ही मेरी गेम पड़ जानी थी। 3 मिनट तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो 3 सेकंड भी टिक नहीं पाया। अबे बे 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 तेरी ऐसी की तैसी यार, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चैलेंज दे दिया बंदे ने, मेरे 100 रुपये भी चले गए। एटलीस्ट मेरी जेब में 100 रुपये भी थे ना यार, अगर वो भी नहीं हुए फिर तो भाई तेल डलाने के पैसे भी नहीं बचेंगे मेरे पास। और भाई यहाँ से कितना नीचे कर दिया इन्होंने। अबे तेरी ऐसी की तैसी यार, लग गई गाइस, फटाफट उठना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। सिर्फ और सिर्फ भाई 2 मिनट बजने लगे हैं, देखो 2 मिनट रहने लगे हैं, 2 मिनट अभी मेरे को पता नहीं है। अभी एक तो ये चैलेंज कितना ज़्यादा बड़ा है और इसको कंप्लीट करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। अच्छा तो भाई अब यहाँ पे गाड़ी लेनी पड़ेगी। भाई ये गाड़ियाँ तो मेरा टाइम वेस्ट करा देंगी, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कोई सुपर फास्ट कार दे, जैसे कि मेरी बाइक सुपर फास्ट थी वैसे कोई मुझे गाड़ी लेनी पड़ेगी। एक काम करता हूँ ये रेड कलर वाली उठा लेता हूँ, क्योंकि बाइक भी रेड कलर की थी और गाड़ी भी रेड कलर की ले लेता हूँ। अब जल्दी से स्टार्ट हो जाए, इतना टाइम क्यों लगा रही है, मेरे को लेट कर देगी भाई तू, तुझे पता नहीं है 1 करोड़ का सवाल है। और गाइस मुझे जहाँ तक लगता है ये कोई भी बंदा 3 मिनट में इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाया तभी इसका प्राइस मनी 1 करोड़ है, और अभी तक वो किसी ने भी नहीं लिया है। एक तो भाई ये गोल चक्कर वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। भाई पानी में तो नहीं गिरने लगा? अरे नहीं नहीं भाई बच गया भाई, मुझे लगा सीधा पानी में गया। अबे तेरी भाई क्या ही भाई चैलेंज बनवा दिया यार इन्होंने, इतना ज़्यादा मुश्किल कर दिया हुआ। ये जो गोल चक्कर वाला होता है ना भाई, इसको कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये देखो भाई हमारी सुपर फास्ट कार भी मुझे स्लो लग रही है, इतनी ज़्यादा चढ़ाई बना दी थी इन्होंने। भाई पूरी फुल स्पीड में करूं क्योंकि भाई शिनचैन और स्पाइडी को मेरे से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं, और उस अंकल का मुंह तो मैं बंद करवा के रहूँगा। और घर तो भाई मैंने देख लिया, अभी बाहर से ही वो घर देखा मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, अंदर से घर तो भाई पता नहीं वो क्या ही तबाही होगा। तो भाई 1 मिनट रह गया, 1 मिनट से पहले मुझे चैलेंज को कम्प्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो भाई 100 रुपये भी गए और 1 करोड़ तो समझो वो गए ही गए। तो भाई पूरी फुल स्पीड दे देता हूँ यार, जितना जेर से रेला दूंगा। पर लेकिन देखो इस बारी तुम्हारे भाई ने साइंस लगा दी है, अपना दिमाग लगाया, इस गोल चक्कर को पार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये क्या है, इतना ज़्यादा स्पीड ब्रेकर क्यों बना दी इन्होंने यहाँ से नीचे? अबे भाई ये क्या, आग जैसी जगह से निकलना पड़ेगा, ऐसा ना हो भाई ये पेट्रोल कहीं पर फट जाए, यहीं पर गाड़ी मेरी आग ना पकड़ ले। ओ भाई बच गया। अरे ये क्या, अबे तेरी ऐसी की तैसी, यहाँ तक भाई सिर्फ 20 सेकंड रहते हैं। अब भाई पहुंच गया। तो यार मैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम भी जाके थोड़ी सी आसान सा काम कर दो, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारे भाई ने यहाँ पे 3 मिनट से पहले चैलेंज को कर दिया कम्प्लीट। अब फटाफट से चलते हैं चलो अंकल के पास। चलो अंकल जी कर दिया मैंने चैलेंज को कम्प्लीट, और कहाँ पे इतने ज़्यादा पैसे, भाई वाह यार 1 करोड़। अरे यहाँ फ्रैंकलिन तुमने चैलेंज को कम्प्लीट कर दिया, यहाँ के पहले बंदे हो जिसने इस चैलेंज को 3 मिनट में कम्प्लीट किया हो। अरे अंकल आप बस ऐसे चैलेंज लाते रहिए और ऐसे थोड़े थोड़े पैसे लाते रहिए, आपको मेरा पता नहीं है, मैं सारे के सारे कंप्लीट कर दूंगा। तो ठीक है गाइस पैसे मैंने ले लिए, फटाफट निकलते हैं यहाँ से सीधा उस चलते हैं अंकल के पास, उस बुड्ढे को जाके बोलूँ अब तू देख ले भाई करोड़। अच्छा यार शिट भाई अभी 1 करोड़ मुझे और चाहिए।
अबे भैया भाई 1 करोड़ और कहाँ से लेके आऊँ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे लगा उसने 1 करोड़ बोला था। अरे फ्रैंक भैया वाह यार, आपने तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टैंड किया। अबे भाई तू देख रहा था क्या? अरे हाँ फ्रैंकलिन, हम लोग तो देख रहे थे नीचे से, तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। अबे थैंक यू, तुझे तो पता ही यार मुझे पैसों की कितनी ज़्यादा लालच है, और जब पैसों की बात आई थी फिर मेरी परफॉर्मेंस अंदर से ही निकल गई। मुझे 1 करोड़ तो मिल गया, बस 1 करोड़ और का जुगाड़ करना कहीं से। अरे फ्रैंक भैया चिंता मत करो, वो मैं देखता हूँ कहीं पर। अरे हाँ हाँ भाई, तू ही तो देख रहा तब से, सिर्फ गाड़ी में बैठ के बातें कर ही जा रहा भाई, बाहर जाके थोड़ा पैसे ही कमा ले। ये पुलिस क्या कर रही है भाई यहाँ पे, इतनी ज्यादा पुलिस? भाई लगता कोई लफड़ा हो गया यहाँ पे, मैं पता करके आता हूँ। तुम दोनों गाड़ी में ही बैठना, तुम उतरना मत। ठीक है फ्रैंक भैया, हम नहीं उतरेंगे। लेकिन गाइस इतनी ज्यादा पुलिस खड़ी क्यों है यहाँ पे? जो इनका सबसे बड़ा वाला हेड है उससे जाके बात करता हूँ, ये सबसे आगे खड़ा है। हेलो सर, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी और मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं बच्ची, तुम हमारी मदद नहीं कर पाओगे। तुम सामने देखो, वो बंदा एक बाज़ूका लेके खड़ा है और वो बहुत ही ज्यादा सोना चोरी करके भाग गया है। कौन सा बंदा भाई? अच्छा तो वो, अब एक देखने तो दो। अरे भाई बाज़ूका है इसके पास, तो यार इसके पास तो कोई नहीं जाएगा। पर लेकिन अंकल आप चिंता मत करो, हम यहाँ पे 3 बंदे हैं। अबे तुम्हें मैंने बोला था गाड़ी से बाहर मत आना, तुम लोग क्यों आ गए? हम आपकी मदद कर देंगे पुलिस वालों, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग आपके साथ हैं। आप लोग हमारी इतनी मदद करते हो, आज हमें एक मौका दे दीजिए। नहीं बच्ची, हम तुम्हें मौका नहीं दे सकते। अबे तो आप मेरा बस प्लान तो समझिए, तुम जल्दी से स्पाइडी और शिनचैन मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें प्लान समझाता हूँ पीछे चल के। अरे फ्रैंक भैया आपके पास कोई प्लान है क्या? अरे हाँ हाँ भाई, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लान है, तू बस चिंता मत कर। हमें फटाफट इसकी दूसरी साइड जाना पड़ेगा और हम इसको वहीं से जाके पकड़ लेंगे। यार ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अरे हाँ फ्रैंक भैया, आपका दिमाग तो बहुत ही ज़्यादा तेज है। अबे यार तुझे पहले ही कहा था। अबे ये देख यहाँ से इसको जाके। अबे ये क्या कर दिया गाइस इसने, ये क्या लगाया यहाँ पे? भाई शीशे जैसा कुछ लगाया, हम इसके आर पार नहीं जा पा रहे। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरा जल्दी से प्लान सुनो। स्पाइडी तुमने यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब्स लगा देने बहुत ही ज़्यादा, और जैसे तुम स्टिकी बॉम्ब्स लगा दोगे, शिनचैन तुम मुझे दूसरी साइड आके इशारा कर देना कि तुमने बॉम्ब्स लगा दिए हैं, और मैं वहीं से सीधा हमला कर दूंगा। जब मैं तुम्हें इशारा करूँ तो बस इसको फाड़ देना, ठीक है फ्रैंकलिन भैया? तो हाँ बस ठीक है, तुम लोग मेरा यहीं पे वेट करो, और जैसे स्टिकी बॉम्ब लग जाए तो मुझे बता देना। अरे पुलिस ऑफिसर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं स्पाइडी और शिनचैन आपकी इस मुसीबत को बहुत ही आसानी से हल करने लगे हैं। लेकिन बच्ची तुम इसको कैसे करोगे? अभी हम कर देंगे, बस मुझे गाड़ी में बैठने दीजिए। अभी ये क्या हो गया भाई? उस बंदे ने बंदूका चला दी यार भाई, सारे के सारे पुलिस ऑफिसर को मार दिया भाई। अब तो मैं इसको कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा यार, इसने तो हर एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया। शिट भाई, अगर मैं थोड़ी देर वहीं पे खड़ा रहता मेरी भी गेम डल जानी थी। अब तो भाई इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने लगा, इससे जाके पहले मुझे बात करनी पड़ेगी। और स्पाइडी भाई जल्दी से जल्दी स्टिकी बॉम्ब लगा दे और फिर इसको मैं बताता हूँ। अबे ओ बदमाश बने हुए बहुत ही ज्यादा, हमने तेरे आगे हार मान ली है। अच्छा किया तुमने मेरे आगे हार मान ली। हाँ हाँ भाई बिल्कुल, और बस मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तुझे जितना पैसा जितना सोना चाहिए तू सब कुछ यहाँ से लेके निकल जा। अच्छा किया तुमने अपनी जान बचा ली। गाइस बस यहाँ पे जल्दी से जल्दी शिनचैन आ जाए और मैं फिर इसको बताता हूँ। तो ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ से गाड़ी लेके। तो शिनचैन तुम यहाँ से जाके फ्रैंकलिन को इशारा कर दो, मैं यहाँ पे बम फिट कर देता हूँ इतनी देर। तो ठीक है स्पाइडी भाई, तू जल्दी से सारे काम कर देना यार, मैं बहुत ही तेज भाग के वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, तू फापी से निकल जा। तो गाइस तुम जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि अब हम इस बंदे को मारने लगे हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई यार फ्रैंकलिन भैया देख क्यों नहीं रहे? अब फ्रैंकलिन भैया देखो। अरे हाँ हाँ शिनचैन तुझे देख लिया हो गया काम? अरे हाँ बस काम हो गया। तो ये लो गाइस 1, 2 एंड 3। अबे ये किस चीज की आवाज थी? अबे तू कौन है बे मकड़ी, भाग जा यहाँ से वरना तुझे बंदूका से उड़ा दूंगा अपनी। अबे तुम अपने पीछे देखो। तो गाइस यही सही टाइम लग रहा मुझे इसको ठोकने का, और तेरी बहन की ये ले। ओ भाई इसकी तो हड्डियाँ टूट गई होगी यार, गाड़ी के नीचे फिट हो गए हुआ भाई। अब बिल्कुल तो यहीं पे बैठा रहे, बड़ा बंदूका और सोना लेके जा रहा था। अरे भाई इसने तो कितना ज़्यादा सोना चोरी कर लिया। अब भाई लगता है पुलिस ऑफिसर भागते भागते मेरी तरफ ही आ रहे हैं पक्का, मुझे लगता है थैंक यू कहने के लिए आ रहे होंगे। यार थैंक यू की क्या बात है यार। अरे थैंक यू फ्रैंकलिन, तुमने हमारा बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। अरे नहीं ऑफिसर जी, ऐसे थैंक यू की क्या बात है, आप लोग हमारी इतनी हेल्प करते हो इसलिए यार मैंने भी आपकी कर दी। अरे नहीं पर लेकिन अब मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे तो 400 की क्रेट पड़ी है, तुम इनमें से एक लेके जा सकते हो। क्या भाई इनमें से एक लेके चला जाऊँ? भाई यहाँ पे तो 1 सोने की कीमत तुम्हें पता है कितनी ज्यादा है? भाई मैं तो अरबपति बन गया यार, मेरे पास तो बहुत ही ज्यादा पैसा आ गया। इस सोने की कीमत 1 करोड़ है। 1 करोड़ भाई साहब, फिर तो चल पड़ा अपना काम। भाई जल्दी से बैठो इसके अंदर स्पाइडी और शिनचैन और निकलते हैं हम लोग यहाँ से। तो गाइस अब हमारे पास पूरे 2 करोड़ रुपए हो चुके हैं और हम फटाफट से जा रहे हैं उस घर को खरीदने के लिए। अब उस अंकल के मुंह के ऊपर भाई 2 करोड़ मारूंगा और बोलूंगा दफा हो जा, अब ये मेरा घर हो चुका है और इस घर को खाली कर दे। अब चाहे कुछ भी हो जाए भाई, उस घर को मैं खरीदने से रही नहीं रुकने वाला।
मैं तो सिर्फ अंकल से बात करने के लिए गया था। अगर अंकल मेरे से तमीज़ से बात कर लेता तो शायद मैं उस घर को नहीं बिखरीता। पर लेकिन जब बात भाइयों ईगो पे आ जाए फिर तो भाई मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये लोग जब हम पहुंच गए हैं उस घर के बाहर, फटाफट से चलते हैं इस घर के अंदर। तो हाँ भाई गार्डनर के बच्चे, अब तू कहाँ पे छुप के बैठा हुआ है? अच्छा तो भाई अभी भी यही पैरा, जल्दी से जाके अपने मालिक को बुला के ला, अब नहीं तो यही तेरे पे गाड़ी चढ़ा दूंगा। इस बारी में तेरी बातें सुनने के लिए नहीं आया। अभी बच्चे जल्दी बकवास मत करो, इस गाड़ी से बाहर निकल के मर्दों की तरह मुझसे बात कर। अच्छा तू मर्दों की तरह बात करने को कह रहा? अबे तेरी ये ले मर्दों की, तू करेगा मेरे से बात? तू करेगा? अब मुझे मारो मत, मुझे मारो मत। अबे तू चुप कर, तूने बहुत ही ज़्यादा बदमाशी कर ली, अब तू बिल्कुल उठ नहीं सकता। तो शिनचैन और स्पाइडी कर लो इस घर पे कब्जा पूरे का पूरा, फैल जाओ इस घर में, जितने भी लोग हैं इस घर में उन सबको उठा के घर से बाहर फेंक दो, पर वो अंकल को तो मैं खुद ही देख लूँगा। दोनों मेरे साथ फटाफट यहाँ पे ऊपर आओ। तो अच्छा तो भाई यहाँ पे तो पार्टी चल रही है, ऐसा लग रहा है लेडीज़ नाइट है। तो भाई तुम लड़कियाँ जो भी हो तुम लोग, अच्छा तो ये लड़कियों के बीच में एक लड़का भी बैठा हुआ है, लगता है बीच चला होगा। भाई तुम सारे के सारे इस घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है इस घर को मैंने खरीद लिया है। तो स्पाइडी तुम बस एक काम करो, तुम यहीं पे खड़े रहो, मैं जाके उस अंकल को देख के आता हूँ। इन लोगों को हिलने मत देना यहाँ से, ये अंकल का बच्चा कहाँ चला गया? ओह अंकल तो भाई अपनी अलग ही पार्टी कर रहा है पीछे पूल में, अभी इसको जाके बताता हूँ, इसकी पार्टी की जैसी की तैसी कर दूँगा यहीं पर। फटाफट यहाँ से भागता हूँ और इस अंकल को बताता हूँ कि भाई इस घर का नया मालिक आ चुका है, इस घर से दफा हो जा तू। तो हाँ जी अंकल जी, दिख रहा हूँ मैं इतने ज़्यादा पैसों के साथ, क्या हो गया तुम्हें? मेरे को देख कैसे तुम्हारा मुंह क्यों खुला रह गया भाई? और ये क्या इतनी ज़्यादा लड़कियाँ बिठाई हुई हैं? अरे अरे वाह भाई वाह वाह, मज़े ही मज़े चल रहे तुम्हारे तो, जंगल के घर में तुम मंगल कर रहे हो। अरे लड़की लोग चलो निकलो यहाँ से, तुम लोग दफा जाओ, अब तुम्हारा नया मालिक आ चुका है इस घर का, अगर तुमने आना होगा तो तुम्हें मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हाँ जी अंकल जी बोलो, कितने पैसे चाहिए थे? 2 करोड़ की बात कर रहे थे? 2 करोड़ आपके मुंह के ऊपर मारूं या आपके पैरों में रख दूं? अबे चल निकल यहाँ से, गरीब तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अबे गरीब किसको बोला, अबे अपनी जुबान पे कंट्रोल कर। अरे 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 मैं तो सॉरी सॉरी बोल रहा था आपको। सुन भाई अंकल, अब जल्दी से यहाँ से निकल जा, मैं इस घर का एक टूर करने लगा हूं। मैं वापिस जब इस जगह पे हूं तो तू मुझे यहां पे दिखना नहीं चाहिए, तो दफा हो जा यहां से। तो ठीक है गाइस, ये अंकल तो यहाँ से निकल जाएगा, हम लोग चल के इस घर को देखते हैं कि भाई कितना ज़्यादा सुंदर घर है यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, सारी की सारी गेम्स फैसिलिटी रखी हुई है यहाँ पे। अरे भाई साहब यहाँ पे तो जिम भी है गाइस, अरे यार ये तो चलो मस्त सीन हो गया। ओ भाई बास्केटबॉल भी है खेलने को। भाई मैंने तुम्हें कहा ना इस घर में सब कुछ है, इस अंकल ने सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा घर बनाया। और देखो भाई अंकल भाग भी गया, मैंने उसको पहले ही बोला था कि मेरे वापस आने से पहले निकल जाना। और भाई अंदर देखते हैं, ट्रेडमिल वगैरह पड़ा हुआ है, बहुत सही सीन चल रहा है यार यहाँ पे तो। इतना बड़ा टीवी भाई और नीचे आग, अरे भाई क्या पेंटिंग है यार टाइगर की, अरे वाह यार घर तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी बनाया हुआ है इस अंकल ने। बाहर भी चल के देखता हूँ, अरे यार मेरी गाड़ी ऐसे बाहर क्यों खड़ी है, इसको तो गैराज में खड़ा करूँगा। भाई नया गैराज, नया घर, सब कुछ नया नया हो चुका है यहाँ पे तो। फटाफट से इसको कर देता हूँ अपने नए गैराज में पार्क। और गाइस मेरे तो इसकी अभी ऊपर वाली साइड देखी नहीं थी यार अच्छे से, फटाफट चल के देखते हैं। यहीं पे वो लड़कियाँ वगैरह बैठी हुई थी भाई, सारी निकल गई वो तो, यार अच्छी बात है चलो। और ये रहा भाई वॉशरूम, अरे वाह यार वॉशरूम, ये लो भाई फटाफट से एक बारी नहा लेता हूँ, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। चलो भाई अब बहुत ज़्यादा हो गया नहाना वाना यार, फटाफट निकलते, पूरे घर का भी टूर भी तो करना है मैंने। और गाइस तुम्हें घर ये कैसा लग रहा है जल्दी से जाके कमेंट में मुझे करके बताओ, और अपने दोस्तों दबाग इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ भाई। अब फटाफट से चल के भाई इसके दोनों के दोनों बेडरूम चेक कर लेते हैं। तो गाइस बेडरूम तो इसके ऊपर वाले दोनों के सेम है, बस उनकी पेंटिंग अलग है। पर लेकिन चलो भाई घर तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी मिल गया मुझे 2 करोड़ रुपये में। अब से भाई पुलिस से या कोई भी लफड़ा होगा मेरा किसी से तो हम तीनों यहीं पे आके छुप सकते हैं, क्योंकि इस घर के तो किसी को भी नहीं पता हम तीनों के अलावा। और वो अंकल को तो इतना पैसा दे ही दिया है कि वो मुंह भी नहीं खोलेगा गाइस फिर से। पर लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे अभी एक चीज़ देखी यार, अभी यहीं कहीं पे मुझे याद क्यों नहीं आ रही। और भाई ये क्या नीचे अंडरग्राउंड, भाई यहाँ पे तो अंडरग्राउंड रूम भी है, फटाफट इसको देखना पड़ेगा यार क्या सेक्सी है भाई। यहाँ पे तो पार्टी वगैरह दारू पार्टी वही करेंगे तो हम यही अंडरग्राउंड में रह के करेंगे, ना ही इतना शोर शराबा होगा और ना ही कुछ। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं फिर से ऊपर, और भाई अपने बाहर खड़े हो गए स्विमिंग पूल के साथ, जो इतना बड़ा स्विमिंग पूल है इस घर का। ये मारी मैंने डुबकी गाइस, मज़ा ही आ गया यार, अंदर से भी भाई कितना ज़्यादा साफ था। तो ठीक है गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से आगे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के दबा के, और कमेंट करके बताओ मुझे वीडियो ये कैसी लगी और तुम्हें कैसा लगा मेरा ये नया घर। मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।